जब कानून मौजूदा सरकार ने बनाई, किससे सलाह मशवरा किया इसका कुछ पता नहीं, कैसे पास हो गया इसका कुछ पता नहीं, और जब आज ड्राइवर रोड पे उतर गए हैं तो उसी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को इसमें कूदने की जरूरत क्या है? वो कानून आपने बनाया है, आपने लागू कराई है, ड्राइवर आपकी वजह से रोड पे है। देखिए अरविंद जी, फिर गालियां पड़ेंगी, मैं कह रहा हूँ। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है भाजपा द्वारा, जो सत्ता में बैठी हुई है सरकार, इन्होंने सिर्फ मोटर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। कानून पार्लियामेंट में पास हो चुका है, और अगर ये पार्लियामेंट में ही वापसी नहीं होती तो ये कानून आज न कल लागू होगा। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को अगर बुलाना था तो आप उनको बुलाते जब आप कानून बना रहे थे, जब आप संसद में कानून पास करा रहे थे उस वक्त उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो ना कोई चर्चा हुई जब ये कानून बनाया जा रहा था, ना उस समय में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जब थी नहीं, तो अब इस वक्त में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कौन होती है? देश के कम से कम 12 से 15 करोड़ जो कमर्शियल ड्राइवर रोड पे चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई, उनको बुलाने का क्या तुक था और क्या मकसद था? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस होती कौन है फैसला लेने वाले डॉक्टर ये ड्राइवर के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मीटिंग के लिए गई, सीपीयू जो उन्होंने कहा है कि भविष्य में जब लागू करेंगे तब भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बुला कर बात कर लेंगे, ये क्या मतलब है? क्यों करेंगे? हम लोगों को बुलाया जाए, जो ड्राइवरों से जुड़े हुए संगठन है उनको बुलाया जाए ना। किसान आंदोलन का उदाहरण तो तुरंत लोग आगे खड़े हो जाते हैं। 750 लोगों की कुर्बानी देने का मादा है वो किसान ने किया था, किसमें मादा है? एक घंटे नहीं टिकोगे यहाँ पे कोई। सर, मैं यहाँ मादे की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ सब मादे होंगे। वर्मा जी, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ कि जो कानून मौजूदा सरकार ने बनाया उसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का गला फंसा रहे हैं, अभी इतना समझ में नहीं आ रही है संस्था को? बिल्कुल नहीं, ये समझना चाहिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रतिनिधियों को भी, भाई जो काला कानून थोपा जा रहा है उसमें आपका यानी कि एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, जो हिट एंड रन का जो नया कानून आया है उसके विरोध में जो लगातार 1 तारीख से 3 तारीख तक जो ट्रक वाले हड़ताल कर रहे थे, गाड़ियां खड़ी कर दी है, उसमें कल रात को एक ट्विस्ट आया। ऐसा कहा गया अलग अलग न्यूज़ की चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि AIMTC ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग हुई है सरकार के साथ में, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कानून पे, और ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है। वहीं पे जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के कुलतरण सिंह अथवाल चेयरमैन है, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने साफ तौर में स्टेटमेंट में कहा है, द हिंदू में आप पढ़ सकते हैं, कि सरकार खोखले वादे कर रही है और सरकार ने सिर्फ टाइम बाय किया है, यानी कि सरकार सिर्फ वक्त गुजारना चाहती है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं। दूसरी तरफ कई जगह बयान आ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये कानून अभी लागू नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। अरे कानून लागू नहीं हुआ है, आपने पार्लियामेंट में पास करके उसको अपने पास रख लिया, जब मर्जी तब आप लागू कर दो। अभी अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो आप रुक गए होंगे। तो ये जो एक ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मीटिंग सरकार के साथ में, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के मीटिंग का क्या इसमें उसका तुक क्या उठता है? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को अगर बुलाना था तो आप उनको बुलाते जब आप कानून बना रहे थे, जब आप संसद में कानून पास करा रहे थे उस वक्त उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो ना कोई चर्चा हुई जब ये कानून बनाया जा रहा था, ना उस समय में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जब थी नहीं, तो अब इस वक्त में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कौन होती है? देश के कम से कम 12 से 15 करोड़ जो कमर्शियल ड्राइवर रोड पे चलते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, एक भ्रम फैलाई जा रही है कि ट्रक वाले विरोध कर रहे हैं, तो क्या ये कानून सिर्फ ट्रक वालों के लिए है? ये कानून हर उस गाड़ी वाले के लिए है जो गाड़ी चलाता है, चाहे प्राइवेट हो या आप कमर्शियल चलाते हो। तो ये भी भ्रम फैलाई जा रही है, चाहे आप बस चलाते हो, चाहे आप फोर व्हीलर चलाते हो, प्राइवेट चलाते हो, कमर्शियल चलाते हो। तो जब ये कानून बनाया जा रहा था, जब इसकी ड्राफ्टिंग की जा रही थी, उस वक्त वो कौन सी संस्था थी जो उनकी हामी में हामी मिला के आई? इसकी तहकीकात कौन करेगा? हमारे साथ पहले राठौर जी, आप पे आऊंगा।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की जो कल मीटिंग हुई, उनको बुलाने का क्या तुक था और क्या मकसद था? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस होती कौन है फैसला लेने वाले डॉक्टर ये ड्राइवर के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस मीटिंग के लिए गई, हाँ, वो एमपी के एक एक, एक, एक इकाई होती है हर की ना, वो एमपी के इकाई वाले थे। हमारे जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जिनका आपने अभी नाम लिया अठवाल साहब, उनका स्टेटमेंट यही है कि अभी कोई ड्राइवर के लिए भाई हम लोग ये नहीं वापस ले रहे हैं या सरकार रहे खाली टाइम बाई कर रही है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वक्त काट रही है सरकार, सिर्फ समय ही काट रही है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सरकार इसे अप्रैल में लागू करेगी। सिर्फ एक छोटा सा लॉलीपॉप हमको लोगों को दिया गया है। अगर उनको खत्म इसको करना था तो कल ही क्यों नहीं खत्म कर दिया? ये क्या कि हम इसको स्टे दे देंगे, आगे बढ़ा देंगे? उन्होंने एक बयान और दिया दे रहे हमें, कुलतरन सिंह अटवाल जो चेयरमैन है एएमटीसी की, उन्होंने कहा है कि ये ड्राइवर्स का स्ट्राइक है, हम ट्रांसपोर्टर कौन होते हैं इसको खत्म करने वाले, ये तो ड्राइवर को फैसला लेना है। संजय सम्राट जी, आप भी हैं, जब सरकार कानून बना रही थी तो क्या ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बुलाया गया था ड्राफ्टिंग के टाइम में? जब बिल पास करके बैठ गई है और आज लाखों के तादाद में अलग अलग राज्यों में गाड़ियां खड़ी कर दी गई है, तो इस वक्त में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बुलाने का क्या तुक है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 करोड़ ड्राइवर्स हैं उसकी किसी एसोसिएशन को, और जो यहाँ आज धरना दे रहे थे, सरकार को पता भी था कि यहाँ पे जो कल आज धरना होने वाला है, तो कल की मीटिंग में कम से कम ट्रांसपोर्ट यूनियन को ना बुलाकर ड्राइवर एसोसिएशन को बुलाना चाहिए था। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये था। दूसरी बात है कि हमारी जो दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर यूनियन है उनको भी बुलाना चाहिए था, और एक तरीके से इन्होंने कठपुतली एसोसिएशन को बुला के इस हड़ताल को कमज़ोर करने की साजिश करी, और कोई राइटिंग में उनको नहीं दिया। एक सिंपल कागज़ मैंने देखा था कि जिसमें लिखा है कि हड़ताल ख़त्म कर रहे हैं, तो ये हड़ताल ख़त्म ना तो करने वाले की इनकी पोजिशन है, और ना शुरू कर ना तो इन्होंने शुरू करी हड़ताल ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस वालों ने, और ना इनको ख़त्म करने का राइट है। जिनको राइट है उनको इन्होंने बुलाया नहीं गया, तो एक तरीके से ये साजिश ड्राइवर हड़ताल तोड़ने की गई है गृह मंत्रालय द्वारा और अमित शाह जी द्वारा, और इसका हम विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन आज हम ड्राइवर भाइयों का साथ देने आए, क्योंकि कल भी हम ड्राइवर थे और आज भी हम ड्राइवर हैं, मजबूरी में हमें आज भी ड्राइवरी करनी पड़ती है। वर्मा जी, जो एक भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, क्या कांग्रेस का जिस तरह से मोदी जी विपक्ष मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत करते रहते हैं, जब कानून मौजूदा सरकार ने बनाई, किससे सलाह मशवरा किया इसका कुछ पता नहीं, कैसे पास हो गया इसका कुछ पता नहीं, और जब आज ड्राइवर रोड पे उतर गए हैं तो उसी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को इसमें कूदने की जरूरत क्या है? वो कानून आपने बनाया है, आपने लागू कराई है, ड्राइवर आपकी वजह से रोड पे है। देखिए अरविंद जी, फिर गालियां पड़ेंगी, मैं कह रहा हूँ। ये जो भ्रम की स्थिति पैदा की गई है भाजपा द्वारा, जो सत्ता में बैठी हुई है सरकार, इन्होंने सिर्फ मोटर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को सिर्फ इस्तेमाल किया गया। हड़ताल किसने बुलाई, मैं पहले पूछना चाहता हूँ देश की तमाम मीडिया से, इन नेताओं से, हड़ताल बुलाई किसने थी, हड़ताल किसने की? ड्राइवरों ने की, डर की वजह से, जो ये काला कानून उन पर थोपा गया किसके द्वारा, देश के गृह मंत्री द्वारा, तो आज सिर्फ इस्तेमाल किया गया। ये एक तोड़ने की साजिश रची जा रही है भाजपा द्वारा कि ये जो संगठन इकट्ठा हुए हैं आज भाजपा सरकार के खिलाफ, इनको भ्रमित कर दिया जाए, इनको गुमराह कर दिया जाए, इनको इनकी एकता जो है एकता जुटना किया जाए। तो हम ये कहना चाहेंगे, जब तक काला बिल वापिस नहीं लिया जाता देश के गृह मंत्री द्वारा, तब तक ये धरने प्रदर्शन और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आने वाले 2-3 दिनों में दिल्ली से ही हड़ताल का आह्वान किया जाएगा, तो जिसकी गूंज देश के हर कोने कोने में जाएगी। नहीं, एक बात बताइए, अभी भी जो उन्होंने कहा है कि भविष्य में जब लागू करेंगे तब भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को बुला के बात कर लेंगे, ये क्या मतलब है? नहीं, क्यों करेंगे? हम लोगों को बुलाया जाए, जो ड्राइवरों से जुड़े हुए संगठन है उनको बुलाया जाए ना, चाहे वो ऑटो टैक्सी संगठन है, चाहे गुड्स व्हीकल है, चाहे वो ट्रक वाले हैं, सबको बुलाया जाए। चार कैटेगरी में है जो देश के चल रहे हैं सार्वजनिक वाहन चालक, चार कैटेगरी में है, चार यूनियनों को तो बुलाएं, कम से कम पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर मोदी सरकार चालकों के इतने भले में है, वो किसानों को भी कहती थी भाई तुम्हारे फायदे के लिए कानून आए, वो कहते थे जवानों को तुम्हारे लिए अग्निवीर बनाई जा रही है, फिर उन्होंने कहा खिलाड़ियों को भाई तुम्हारे लिए। अरे वर्मा जी, मेरे को सिर्फ एक चीज बताओ कि जो कानून मौजूदा सरकार ने बनाया उसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का गला फंसा रहे हैं अभी,
इतना समझ में नहीं आ रही है संस्था को? बिल्कुल नहीं, ये समझना चाहिए, ये समझना चाहिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन के प्रतिनिधियों को भी, भाई जो काला कानून थोपा जा रहा है उसमें आपका यानी कि एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इसको सर्टिफाई करना पड़ेगा इनके प्रतिनिधियों को कि जो सरकार ने काला बिल लाई है, जब तक लिखित रूप में नहीं लेती तब तक जो है चक्का चुक्का जाम रहेगा, धरने प्रदर्शन होते रहेंगे और हम हार बिल्कुल नहीं मानने वाले। अभी गाड़ी चलाते ड्राइवर है, आप एक चीज बताइए, अगर ट्रांसपोर्टर को बुला के ही सलाह मशवरा और कानून मतलब पास करवा लेना है या कह देना है कि तुम आप ही जिम्मेवार हो, आ जाओ बोल दो ड्राइवर काम पे लौट जाएंगे, तो फिर एक काम करो ना, गाड़ी अगर एक्सीडेंट होगी 7 लाख रुपए भी ट्रांसपोर्टर दे और जेल भी ट्रांसपोर्टर काटे, ट्रांसपोर्ट से ही ले लेगी पैसे, ट्रांसपोर्टिंग अपना आप गाड़ी चला लेगा, ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है उसको तो। और मैं तो मोदी से भी कहता हूँ कि मोदी भी खुद ही अपनी गाड़ी चला ले, अमित शाह भी अपनी गाड़ी चला ले। वो कहावत सुनिए, खेत खाए गधा मार खाए झोला। चल एनी वे, संजय सम्राट जी जो उन्होंने अभी कहा है कि इसको भविष्य में भी अगर हम लागू करते हैं तो फिर बुला के सलाह मशवरा करेंगे, किससे? ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से। ये क्या मतलब है उस संगठन जाने का वहां पे? ना उनकी सरकार है ना कानून बनाने में। मैं मानता हूं कि हम उसको भी बुलाएं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन सबसे पहले तो ड्राइवर जो आज धरना देने वाले थे बेसिकली आज इनको कल यस्टरडे मीटिंग में बुलाना चाहिए था, या हो सकता है कि धरना ही नहीं होता, धरना ही कैंसिल हो जाता अगर ये सेटिस्फाइड हो जाते, तो जानबूझ के ड्राइवरों को बुलाया नहीं गया क्योंकि ये हड़ताल को ख़त्म करने की साजिश कर रहे थे, इसलिए ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस को बुला के उनको झूठ मूठ का एक लेटर पकड़ा दिया गया जिसकी कोई वैधता नहीं है, कोई लेटर हेड पे सरकारी लेटर हेड पे इन्होंने लिखित में नहीं दिया, तो एक तरीके से हड़ताल खत्म करने की वैधता सिर्फ एक ही चीज की है कि यह कानून पार्लियामेंट में पास हो चुका है और अगर यह पार्लियामेंट में ही वापसी नहीं होती तो यह कानून आज नकल लागू होगा और ये वापस होगा। जैसे किसान आंदोलन का जो कानून है वो वापस गया था, ऐसे ही मोदी साहब को मुंह की खानी पड़ेगी, अमित शाह को मुंह की खानी पड़ेगी। ये कानून कहते हैं ना, संघर्ष में जीत थोड़ा सा देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। अगर आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली है, हाँ जी, किसान आंदोलन का उदाहरण तो तुरंत लोग आगे खड़े हो जाते हैं, 750 लोगों की कुर्बानी देने का मादा है वो किसान ने किया था, किसमें मादा है? एक घंटे नहीं टिकोगे यहाँ पे कोई। सर मैं यहाँ मादे की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ सब मादे होंगे जब जोर होता है, जोश होता है, सब चीज होता है, किसानों को जब जोश होता है ना सब चीज होता है। किसानों को जान देने की जरूरत पड़ गई, ड्राइवरों को तो जरूरत ही नहीं है, वो छोले भटूरे की दुकान लगा लेगा, मूंगफली बेच लेगा, ये तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे जब दूध नहीं पहुंच पाएगा, सब्जियां नहीं पहुंच पाएंगी, दवाइयां नहीं पहुंच पाएंगी, एम्बुलेंस चलाने वाला कोई नहीं होगा, डीजल पेट्रोल पहुंचाने, ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा, इसमें तो कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर तो ज्यादा ताकतवर है, यह सरकार को समझना पड़ेगा कि ड्राइवर ज्यादा ताकतवर है। और दूसरी बात, एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि आपने बोला है कि चंद जो एसोसिएशन वाले वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पे चंद जो किसान भी ऐसे थे जो सरकार के पक्ष में पहुँच चुके थे, उससे फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से, फर्क पड़ता है इनकी दिलेरी से, इनके खड़े होने से, इनके संघर्ष से। फर्क एक चीज़ से और पड़ता है पाजी, लास्ट में बता देता हूँ, जो आंदोलन एक बार खड़ी हो जाती है ना वो दोबारा खड़ी नहीं हो पाती, चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, इसलिए उसको खत्म करने के लिए हर तरह के पैंतरे लगाए जाते हैं। पंजाब से खड़ा हो गया, दोबारा महाराष्ट्र से खड़ा हो गया, पूरे देश में जाएगा और इनके मुंह की हड्डी बनेगा और इनको मुंह की खानी पड़ेगी, आगे इलेक्शन है, इनको खुद पता है। चलिए साफ तौर पे ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो अतवाल साहब है उन्होंने कई जगह स्टेटमेंट में लिखा है कि हमने हड़ताल नहीं बुलाया था ना स्ट्राइक किया था, ड्राइवर्स कर रहे हैं तो हड़ताल खत्म भी वही करेंगे, तो एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि हड़ताल ये खत्म हो गया, ड्राइवर मान गए हैं, सरकार कह रही है बिल हम बाद में लागू करेंगे, अभी लागू नहीं करेंगे। अरे जब आपने बिल बना के रख लिया तो आप तो किसी रात उसको लागू कर दो, कौन रोक सकता है? नमस्कार।